सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो किया था वो हमारे पास क्या था कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया था, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला है वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। समझो इसके अंदर क्या है, कह रही फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या करना है हमें, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा हो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करो, मतलब कि कभी भी क्या लिखा हो कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। सुनो भाई, कभी भी अगर तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तुम्हें इस टाइम करना क्या होता है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था भाई, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम लिखना होता है और इंटू में एक्स और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कभी भी अगर तुमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तुम्हें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस लिखे है, तुम्हें करना यहाँ पे योग लगाना होता है और प्लस पे गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे योग आ जाता है और यहाँ पे गुणनफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रखा भाई उसने मेरे को, क्वेश्चन के अंदर उसने बोल रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। तो नीचे हमने उसने क्या देखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब यहाँ से पढ़ो, कह रही गिवन नंबर एज द सम, पहले सम लिखा हुआ है तो पहला नंबर सम है, दूसरा लिखा मेरे पास प्रोडक्ट तो दूसरा नंबर प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में लिखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का ही मतलब हमारे पास होता है जो पहला नंबर है वो मेरा सम है, दूसरा क्या मेरे पास प्रोडक्ट है, ये बातें पता लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। सुनो सबसे पहले ना एक बार जो लास्ट क्लास के ना मैं तुम्हें जितने 2.2 के जितने क्वेश्चन करवाए थे ना, एक बार उसको स्पीड में देखो जल्दी कि मैंने किस किस तरीके से करवाया, जल्दी देखो जो उस तरीके से मैंने जीरोस निकाले ना, एक बार सारे स्पीड में देखो जल्दी से वो। सुनो भाई देखो, तो तुम्हें ये वाली बात तो पता लगी, हमने क्वेश्चन क्या सॉल्व किया था वाला, जो 2.2 का मेरे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो मैंने किस तरीके से सॉल्व करवाया था, उसमें हमने दो चीज़ें निकाली थी लास्ट में, सम ऑफ जीरोस और अगला क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्य को का योग और शून्य को का गुणनफल, ये दो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। तो इसके अंदर समझ जाओ मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लिखा है 1/4 और कोमा माइनस का 1, इसका मतलब क्या है मेरे पास, पहला वाला क्या है मेरे पे सम है, दूसरा क्या है प्रोडक्ट है, भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है, लाइन से पढ़ोगे ना तो पहला क्या लिखा है सम, दूसरा मेरे पास सम एंड प्रोडक्ट, ऐसे लिखा है ना, ठीक है। देखो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, तो पहला क्या मेरे पास सम है, दूसरा क्या मेरे पास प्रोडक्ट है, क्या करेंगे इसमें वैल्यू डालेंगे हमारा आंसर आएगा, यहां देखो। तो क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम और इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरीके से है ना मेरे पास क्या सम, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स का स्क्वायर रहेगा माइनस, सम की जगह आया मेरे पास 1/4 और यहाँ पे x है प्लस, और फिर क्या है मेरे पे यहाँ पे माइनस का मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसकी जगह माइनस का 1 लिखा हुआ है ना, तो लिख दिया मैंने ऐसा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ देखो ये मेरे पास माइनस का x जो है ना 1 से मल्टीप्लाई हो, तो 1 × x / 4 है और प्लस माइनस, मुझे बताओ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मेरे पास क्या होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस, तो क्या मेरे पास जब भी मेरे पास साइन अलग अलग होते हैं तो साइन क्या आता है मेरे पास माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, पहले तो मैं इतनी बात बता रही, ठीक है। तुम बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या तुम, अगर तुमसे बोल दूं कि इसके आगे के नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके एक्स 1/4 लेके आओ, आ पाएगा, ये भी क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं हुआ है ना। हमने कोई सा भी क्वेश्चन, मतलब कि जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने उसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं किया है, कोई सा भी क्वेश्चन हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया है भाई जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि अपॉन में कोई नंबर हो, बातें तो लग रही है। तो देखो
एक बार ना भाई हमारे पास क्या है कि अच्छा सबको ये वाली ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसका 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था। पहले से एक बार जो फॉर्मूले से नोट लगा स्पीड में, ठीक है भाई। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जो मेरे पास 2.2 है उसके क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर किसी के भी डिवाइड कोई सा डिवाइड में ही था। क्वेश्चन फर्स्ट में तुम किसी भी क्वेश्चन के अंदर देख लो किसी के डिवाइड में लिखा है, ऐसा ऐसा नहीं है ना। तो मैंने तुम्हें ना भाई जब तुम्हें बेसिक करवाया था तो उसमें ऐसा लिखा था, कभी मेरे पास मान लो 1/2 ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब कि एक नंबर फ्रैक्शन में हो, यहाँ देखो एक नंबर फ्रैक्शन में हो और एक बिना फ्रैक्शन का हो, क्या करते हैं इस नंबर को हम उपराल से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही तो है ना। तो तुम्हें यहाँ भी सेम दिख रहा है, क्या करूँगा मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। तो इसको करूँगा तो मेरे पास 4x² - x, इससे करूँगा तो 4 × 1 = 4 और पूरे के नीचे 4 आगे इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लगी, ये जो 4 था मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, एडिशन फ्रैक्शन जिसे कहा था ना मैंने जब, तो वही वाले हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना, ठीक है। तो 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 × 4, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता लग रहा है भाई, 4 किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। ये जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था ये इसका आंसर है, ये बातें पता लग गई। हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट में √2/√2 और 1/3 है जो इसका सेकंड मेरे पास जो पॉइंट है, सेकंड के अंदर है √2 और 1/3, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ है √2 और मेरे पास क्या फिर 1/3 है, क्या करेंगे सेम फॉर्मूला, x² - sum x और प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। मेरे पास सम कितना है भाई, सम जो x है तो यहाँ पे √2 और ब्रैकेट में x प्लस मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1/3 है इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास आएगा √2x और प्लस में 1/3, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा बताया जब भी तुम्हारे पास डिवाइड में कोई नंबर होगा सब ऊपर वाले सबसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो क्या करें, देखो यहाँ भी था ना मेरे पास, यहाँ पर डिवाइड था, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, यहाँ भी दोनों से कर दूंगा। तो 3x² - 3√2x और प्लस में 1/3 और इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लगी, फिर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x² - 3√2x और प्लस में 1 = 0 × 3, ठीक है। डिवाइड में था उस साइड मल्टीप्लाई में चला गया तो 3x² - 3√2x और प्लस में 1 = 0। कोई दिक्कत लगी किसी को इसके अंदर, हाँ भाई मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसको पॉइंट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट देख लो एक बार भाई, जो मेरे पास पॉइंट नंबर थर्ड है उसके अंदर क्या कह रहा है समझो। जो पॉइंट थर्ड है उसमें 0 और √5 है, थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है क्या उसमें 0 और √5 है, वही फॉर्मूला x² - sum x और प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो x² का x² रहेगा माइनस सम, क्या भाई मेरे पास 0 है, 0 x, प्रोडक्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट वो कितना है 5 है √5। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 ही तो आएगा और प्लस √5 इज इक्वल टू 0, 0 हट जाता है तो क्या आ जाएगा x² + √5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है। ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट देखो एक बार, जो पॉइंट फोर्थ है उसमें मेरे पास 1 और 1 है, 1 और 1 है, फिर वही सेम फॉर्मूला x² - sum x और प्लस में हमारे पास क्या है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। तो x² - sum मेरे पास कितना है 1 और यहाँ पे x, और जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो भी कितना है 1 है,
तो 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करो मेरे पास x आ जाएगा और 1 का 1 इज इक्वल टू 0। कोई बात समझ में इसमें? नॉर्मल चीज है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम अगली बात करते हैं जो मेरे पास पॉइंट नंबर का जो दो पॉइंट और बाकी है उसको देख लेते हैं एक बार। तो भाई हमारे पास जो इसका पॉइंट नंबर फिफ्थ है, जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हमारे पास है -1/4 और फिर क्या है, सिर्फ 1/4 है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और प्लस मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस, सम कितना भाई मेरे पास माइनस का 1/4 और एक्स, और प्लस जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लगी पहले। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का है ये माइनस का है, माइनस माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस, प्लस का 1/4 और यहाँ बाहर एक्स का एक्स लिख रहा हूँ अभी और 1/4 है इज इक्वल टू 0। इन बातों में दिक्कत लग रही है किसी को? अब एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, भाई किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना वही नंबर आता है। जैसे मान लो मैं 5 को अगर 1 से गुना करता हूँ तो 5 ही आएगा ना, बातें तो अलग ही। तो वैसे ही अगर मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास कितना आएगा, वो x ही आएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, x अपॉन में 4 और प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। क्या समझ रहा तुम्हें यहाँ पे, जब नीचे के नंबर सेम होते हैं एक बार लिखते हैं मैंने बताया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। देखो अब दोबारा डिवाइड में वैसे ही आ गया जो मैं नीचे के नंबर से करता हूँ इसे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे कर दूंगा, मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है। बातें समझ आई कैसे कर रहा हूँ मैं? अब क्या करूँगा यहाँ पे भैया, अपॉन में 4 है, अब ध्यान डिवाइड में उसका जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इनटू में 4, तो क्या आ जाएगा भाई, वही 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास, बताओ कोई दिक्कत लग रही है इसके अंदर? भाई हम आते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर, जो इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, सिक्स पार्ट के अंदर मेरे पास 4 और 1 है, 4 और 1, तो क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और प्लस में मेरे पास है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, सम है मेरे पास 4 यहाँ पे x और प्रोडक्ट मेरे पास 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, बताओ भाई कोई दिक्कत लग रही है इसमें? भाई ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है, तो तुम्हें ये सारा का सारा आना चाहिए भाई। उसके बाद ना हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो पहले सब।